ने मिलाया है लीमू का रस। अगर आपका बच्चा 7-8-10 साल का यानी बड़ा है तो आप उसको पेस्ट जब बनाए तो आप एक पूरा चम्मच भी लीमू का रस मिला सकते हैं। यहाँ पहले हम छोटे बच्चों के लिए आपको बनाना सिखा देते हैं। उसके बाद इसमें मैं आधा ही चम्मच मिलाऊंगी शहद का, एक चम्मच आटा, आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच ही इसमें शहद का मिलाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे वो होगा जैतून का तेल, ये भी हम लेंगे आधा ही टीस्पून। ठीक हो गया, यानी आटा एक चम्मच या बाकी तीनों चीजें एक ही क्वांटिटी की है, यानी के आधा आधा टीस्पून। ठीक हो गया, अब चारों चीजों को करना है मिक्स। जब तक मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, आप लोग जरा अच्छे बच्चे बनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली दफा आए हैं तो आपको ऐसी रेमेडीज तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे सुर्ख कलर का बटन है उस पर क्लिक करें, उसके साथ एक बेल आइकन बनेगा, बेल पे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नोटिफिकेशन ऑन होगा तो जैसे ही आपकी पसंद की वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ मेरी बात खत्म हो गई और साथ ही मैंने मिक्स भी कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आप सबके लिए, गौर से सुनिएगा। अगर तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, यानी कि 4 साल के 3 साल 5 साल तक के, तो आप ये मीठा सोडा उसमें नहीं मिलाएंगे। अगर आपके बच्चे 6 साल के हो चुके हैं तो उसमें आप देखिएगा कि एक चुटकी से मुराद मैं यहाँ आधा चम्मच नहीं लूंगी, सिर्फ एक चुटकी ही लूंगी, ये देख लीजिए, जस्ट 1 पिंच। ठीक हो गया, एक चुटकी मीठा सोडा हमने मिलानी है, वो बहुत है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ लीमू का रस मैंने आधा चम्मच लिया। इनकेस अगर आप बेकिंग सोडा नहीं मिलाना चाहते तो आप पूरा चम्मच लीमू का रस ही मिला दीजिए, बहुत है। अब टेस्ट बहुत ठीक बना है तो मैं इसमें शहद और मिलाऊंगी। यहाँ एक और ऑप्शन है कि आप इसमें दूध भी मिला सकती हैं, अगर आपको ठीक लगे और आप इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए कोई चीज शामिल करना चाहें तो आप इसमें दूध भी शामिल कर सकती हैं। मैंने चूंकि सिर्फ आपको बना के दिखाना है, मेरे आसपास कोई ऐसा बच्चा है नहीं जिसके मैं अप्लाई करके दिखाऊं, तो मैंने सिर्फ इसमें शहद और मिला दिया। अगर आप शहद भी मिलाएं तो चलेगा। ठीक हो गया जी, अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम चीजें यकजा होके एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। एंड दैट्स इट, आपका पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और अब इसको हम आपको तरीका सिखाएंगे कि करना क्या है। अगर आपके बच्चे, मैं पहले बता चुकी हूँ कि 6 साल के हैं, तो आप सेम मेथड के साथ ये पेस्ट बना लें। अगर आपके बच्चे इससे भी छोटे हैं तो आप मीठा सोडा बिल्कुल नहीं इसमें मिलाएंगी और शहद सिर्फ आधा टीस्पून लेंगी। ठीक हो गया, अब कुछ इस तरह से आपने हल्की हल्की से लेयर इसकी बच्चों की गर्दन के ऊपर अप्लाई करनी है। गर्दन को पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा शावर के साथ, लेकिन गीली के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, गीला करके टॉवल से साफ कर ले ताकि बहुत ज्यादा ड्राई नहीं हो। टॉवल के साथ साफ करने के बाद इसको अप्लाई करिए। अप्लाई करने के आप 10 मिनट तक इसको रहने दीजिए, 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट के बाद रगड़ना नहीं है, बच्चों की स्किन हमारे जैसी नहीं है, आपने रगड़ना नहीं है, डायरेक्ट उसको वॉश कर देना, क्योंकि गर्मियां हैं तो आप गीले टॉवल के साथ, टॉवल को अगर आप पानी में भिगो के, नीम गर्म पानी में भिगो के साफ करें तो फिर क्या आएगी, यानी फिर जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नीम गर्म पानी में टॉवल भिगोए बच्चों की गर्दन साफ कर दे तो एक ही दफा से आप देखेंगे बच्चों की गर्दन चमक चुकी होगी, चाहे वो कितनी भी काली हो। ठीक हो गया, पसंद आपकी हो गई है पूरी। इस नुस्खे को बाद जाते आप बच्चों के घुटनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बच्चों की कोहनियों पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके जिस्म की किसी भी साइड पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके चेहरे पर अप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया, और वैसे भी इतने छोटे बच्चों को कोई भी चीज अप्लाई नहीं करवानी चाहिए, मतलब आप उनके हाथों पैरों पर अप्लाई करना शुरू कर दें थोड़ा वैसे भी अजीब सा लगता है, बच्चे बहुत सॉफ्ट और सांसते होते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए बताया कि बच्चे 5-6 साल के जो होते हैं बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं, बस भूल जाते हैं तो मतलब गंदी हो जाती है उनकी गर्दन, मैली हो जाती है, मैल जम जाती है, तो ये उसका आपको एक इलाज बताया है। तो इससे आप रिपीट कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, बस अगर बच्चे बड़े हैं तो हफ्ते में 2 बार कर लें। तो मदर्स को भी पता होता है कि आपके बच्चे किस हद तक सांस है, कितने छोटे हैं, अगर ज्यादा ही छोटे बच्चे हैं तो आपके हफ्ते में 1 बार इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक हो गया, तो अब तो बातें बहुत सारी हो गई हैं,
इसके साथ ही आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलू लेसन सिर्फ चलने से पहले कि मेरा दूसरा चैनल सभा जी लाइब्रेरी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसे भी आपने क्लिक करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के एंड पे लगा दिया, जैसे वीडियो खत्म होगी आपको एंड पे लिंक नजर आएगा सभा जी लाइब्रेरी, उस पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा दे, इसी तरह नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता। इन सिर्फ दो लाइनों में बहुत बड़ा सबक है जो अगर हम समझना चाहेंगे, इस पर अमल करना चाहें तो हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो गुनाह करके उस पर हमें शर्मिंदा सिर्फ हो लेना ही काफी नहीं है। अगर हमें शर्मिंदगी हो, नदामत हो तो दिल से हो, और अगर हमें दिल से नदामत होगी तो हम तौबा करेंगे, और तौबा वही कबूल होती है जब हम उसको दोबारा ना दोहराने का पक्का अहद और पक्का वादा करें अपने अल्लाह पाक से कि मैं इस गुनाह को दोबारा ना दोहराऊं और ना मुझे दोहराने की तौफीक दे ना हिम्मत दे। और नेकी जब भी करो तो उसको छुपा के करना चाहिए, ये वही हिसाब है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी पर आपने अगर गुरूर कर लिया कि मैंने ये किया, मैंने ये नेकी कर दी, तो आपकी नेकी छुपा होगी। तो इस प्यारे से कॉल को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा, एंड आई एम श्योर आप लोग इस पर अमल करते भी होंगे और अमल करेंगे भी। मुझे इजाजत दीजिए अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, अपने छोटे बच्चों पे इससे अप्लाई करिए, लेकिन बहुत छोटे बच्चों पे अप्लाई मत करिएगा। कल इससे भी ज्यादा इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच। उम्मीद करती हूँ कि